नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। एसपीएन 9 न्यूज में आज बातचीत करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की जो लड़ाई है, इसमें जीतेगा कौन, हारेगा कौन, कौन किसको मात देगा और किससे सबसे ज्यादा मुकाबला होगा। लेकिन दर्शकों, मैं इन दोनों की लड़ाई पे आए इससे पहले मैं आपको बताता हूं कि इनकी ताकत की जो वजह है ना, वो क्या है। वो जब आप समझेंगे आप खुद ही समझ जाएंगे कि दरअसल कौन किस पर भारी पड़ेगा। खबरें हैं कि सचिन पायलट के दौरे से अशोक गहलोत कैंप के विधायक ने बनाई है दूरी। अब पहले इसी से समझिए, सचिन पायलट का जो गुट है और अशोक गहलोत का जो गुट है, दोनों अपने आप में 30 मार्क है, कोई किसी से कम नहीं है। सब अपने अपने औकात दिखा रहे हैं और सब अपने नंबर बटोरने के लिए सोनिया गांधी के सामने हाथ जोड़कर चले जाते हैं। लेकिन सोनिया गांधी की आंख तो तब खुल गई, सोनिया गांधी की निगाहें तब पड़ी इन चीजों पर जब उनके सबसे बेहद करीबी, जब से वफादार ने उन्हें धोखा दे दिया। उन्होंने यानी कि आपको पता है कि अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर जब गहमा गहमी चल रहा था, रेस में नाम अशोक गहलोत के भी आ रहे थे, तब आपने देखा कि अचानक से जयपुर में हाई वोल्टेज ड्रामा होता है और अशोक गहलोत विधायकों के साथ बगावती तेवर अपना लेते हैं। सोनिया गांधी के नींद उड़ जाते हैं, सोनिया गांधी हैरान हो जाती हैं कि भाई जिस इंसान पे सबसे ज्यादा हमने भरोसा किया, जिस पे सोच रहे थे कि वो ऐसा कर नहीं सकता, वही आज जो है लुटिया डुबा रहा है। यानी वो कोई और नहीं, वो है अशोक गहलोत। अब यानी कि इस लिहाज से राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इन दोनों का सपोर्ट उनके साथ नहीं, ये बात तो अब समझ में आ गया। तो लिहाजा अब देखा जाए सचिन पायलट को, तो सचिन पायलट चुप रहे हैं, शांत रहे हैं, जो सोनिया गांधी, राहुल गांधी कहते रहे हैं वो करते रहे हैं। तो लिहाजा अब इससे ये पता चलता है कि इनका समर्थन उनके पास है। तो अब आगामी जो राजस्थान का विधानसभा चुनाव है, जिसमें ज्यादा दिन का वक्त नहीं बचा है, 5 से 6 महीने बचे हुए हैं, तो इससे ये माना जा रहा है कि जो हाईकमान है कांग्रेस का, उनका समर्थक उस पर, तो कांग्रेस अशोक गहलोत तो चलिए सचिन पायलट को निकाल देंगे, लेकिन सोनिया गांधी जब फैसला करेंगे तब अशोक गहलोत का क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल रहेगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज़। नमस्कार।